रेफरेंडम मार्च जिसका ऐलान किया तशद्दुद आमेज कार्रवाइयों से, जबकि तहरीक पसंद कयादत ने लाल चौक चलो का प्रोग्राम दिया था और कल से ही हमने देखा कि कदगरे और बंदिशें लगाई गई हैं, कर्फ्यू का सख्तरी निफाज है और पूरी दुनिया देख रही है कि किस तरीके से हमारे इंसानी हुकूक, मजहबी हुकूक, सियासी हुकूक ताकत के बल पर सल्ब कर लिए जा रहे हैं। आज जबकि हिंदुस्तान और पाकिस्तान अपना यौम आजादी मना रहे हैं, जम्मू कश्मीर के लोग, दोनों मुल्कों की कयादत, खासकर हिंदुस्तान की कयादत को ये याद दिलाना चाहते हैं कि जो कमिटमेंट्स और जो वादे कश्मीरियों के साथ किए गए हैं उन वादों को पूरा किया जाए, और जब तक उन वादों को पूरा नहीं किया जाएगा न सिर्फ बड़े सगीर में बल्कि हिंदुस्तान पाकिस्तान में जनूबी एशिया में अमन का कयाम जो है वो नामुमकिन है। आज हम हिंदुस्तान के आवाम से भी ये कहना चाहते हैं कि आज जब वो अपना यौम आजादी मना रहे हैं लेकिन कश्मीरियों के साथ जो जुल्म और जो नाइंसाफी रवा रखी जा रही है वो उनके दोहरे मयार का अक्काश है। हम क्या चाहते हैं? आजादी। हम क्या चाहते हैं? आजादी।